कौशाम्बी जिले को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जिले को 6 नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है। जिला अस्पताल में नए एम्बुलेंस को CMO PN चतुर्वेदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CMO PN चतुर्वेदी ने बताया कि 6 नई एम्बुलेंस मिलने से अब जिले में 22 एम्बुलेंस हो गई हैं। नए एम्बुलेंस वाहनों के मिलने से अब स्वास्थ्य विभाग की ताकत बढ़ गई है। दुर्घटना में घायलों को समय से इलाज के लिए अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए पिछली सरकार ने 108 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की थी। तब जिले को 16 नई एम्बुलेंस दी गई थी। ये एम्बुलेंस जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम थी तथा एम्बुलेंस खराब रहने व जर्जर हो जाने से लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रही थी। इसी के चलते नए एम्बुलेंस की मांग बराबर CMO के द्वारा की जा रही थी, जिस पर सोमवार को 6 नए एम्बुलेंस की सौगात मिली। जनपद में अब 22 एम्बुलेंस होने की वजह से आम जन को समय पर एम्बुलेंस सेवा मिल सकेगी। जनपद वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिलने जा रही है। अब मरीजों को एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 6 अतिरिक्त 108 एम्बुलेंस को जिला अस्पताल से सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शासन द्वारा मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने तथा अस्पताल में से घर पहुंचाने के लिए शासन द्वारा एक और कदम उठाया गया है। नए एम्बुलेंस कई तकनीकों से लैस है। एम्बुलेंस में फुल एयर कंडीशन है। इसमें GPS ट्रैकिंग, पोर्टेबल ऑक्सीजन, डिजिटल BP मशीन, ग्लूकोज मीटर, ऑटो लोडर, स्ट्रक्चर, मेडिसिन केविन प्लस ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। जनपद को 6 नई एम्बुलेंस मिली हैं 108 सेवा के अंतर्गत। हमारे पास पहले 16 थी और ये 6 मिलके अब 22 हो जाएंगी, और ये नई गाड़ियां हैं और इससे जो है हमारी क्षमता में वृद्धि हुई है और मरीजों को इससे काफ़ी लाभ होगा।